फैजान कादरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे तमामी सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आइए, मैंने गुज़िश्ता कल आप हज़रात के सामने उन चीज़ों का बयान किया था कि जिस तरह से सोने से वज़ू टूट जाता है। अब आइए आगे उनका बयान करते हैं कि इस तरह सोया जाए कि जिससे वज़ू नहीं टूटता है, उसको हम बयान कर रहे हैं। दरूद शरीफ़ पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लमा, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्ला अलैहि वसल्लमा। दोनों सुरीन यानि बैठक ज़मीन या कुर्सी या बेंच पर हैं, दोनों पांव एक तरफ फैले हुए हैं या दोनों सुरीन पर बैठा है और घुटने खड़े हैं, घुटने खड़े करके सुरीन के बल बैठा है, और हाथ पिंडलियों पर मुहीत हों, खास ज़मीन पर हों, है ना। यानी मतलब ये है कि आप उकड़ू बैठ जाएं, पाँव को खड़ा करके और सुरीन को जो है ज़मीन पर रख के, और फिर उसके बाद हाथ को रान और जो है पैर दोनों के बीच में से निकालें, तो फिर चाहे हाथ ज़मीन पर रखें चाहे हाथ को थोड़ा ऊंचा रखें, इस तरह बैठें। और दो जानू सीधा बैठा हो, दो जानू मतलब तशहुद में नमाज में जो बैठते हैं उस तरह से बैठा हो, या चार जानू पालती मारे, या ज़ीन पर सवार हो, यानी घोड़ा वगैरह उसकी पीठ पर ज़ीन कसा हो उसके ऊपर सवार हो, या नंगी पीठ पर सवार है मगर जानवर चढ़ाई पर चढ़ रहा है, या रास्ता हमवार है, या खड़े खड़े सो गया, या रुकू की सूरत पर, या मर्दों के सजदाए मसनूना की शक्ल पर, यानी जिस तरह से सुन्नत तरीक़े से सजदा किया जाता है कि पेट जो है रान से ना मिला हो, बाजू जो है ये पेट से ना मिली हो, इस तरह से, तो उन सब सूरतों में वज़ू नहीं जाएगा। और नमाज में अगर ये सूरतें पेश आए तो वज़ू नहीं जाएगा, ना नमाज जाएगी। हाँ, अगर पूरा रुकन सोते ही में अदा किया तो उसका इआदा यानी उसको लौटाना दोबारा पढ़ना ज़रूरी है। अगरचे जागते में शुरू किया फिर सो गया, और तो अगर जागते में बकदरे किफ़ायत अदा कर चुका था, यानी जितना पढ़ लेना काफ़ी है उतना अदा कर चुका, तो वही काफ़ी है, वरना पूरा कर ले। अब आगे बयान करते हैं कि इस शक्ल पर सोया कि जिसमें वज़ू नहीं जाता, और नींद के अंदर वो हैयत यानी वो हालत पैदा हो गई जिससे वज़ू जाता रहता है, तो अगर फौरन बिला वक्फा जाग उठा यानी कुछ देर सोया नहीं बल्कि फौरन जाग गया, तो वज़ू नहीं गया वरना वज़ू जाता रहा। फिर कहते हैं कि गर्म तन्नूर के किनारे पांव लटकाए बैठकर सो गया। तन्नूर किसको कहते हैं, यानी यहाँ जो है आप अजमेर शरीफ वगैरह गए होंगे तो देखे होंगे, और यूपी में भी ऐसा होता है कि चूल्हा होता है जिसके अंदर तंदूरी रोटी पकाई जाती है, तो वो दो शक्ल का होता है। एक तो ये है कि वो बड़े डोल जिस तरह अपनी होती है इस तरह बहुत ऊंचा गहरा बनाया जाता है, और उसके अंदर जो है रोटी डाली जाती है पकाने के लिए, और एक तो ये है कि ज़मीन के अंदर खूब जो है गड्ढा खोद करके बनाया जाता है तो उसके अंदर रोटी पकाई जाती है, तो इसको तन्नूर कहते हैं, और भट्टी को भी तन्नूर कहते हैं। तो अगर ये तन्नूर इस तरह से हो कि वो तन्नूर बहुत ऊंचा होता है, बर्तन बड़ा जिस तरह डोल होती है, अगर उसके ऊपर पांव लटका के बैठ गया है ना, तो ऐसी सूरत में फिर सो गया तो वज़ू कर लेना मुनासिब है। क्यों? इसलिए कि आपकी सुरीन का हिस्सा तन्नूर के अंदरूनी खाली हिस्से की तरफ होगा और आपके पैर बाहर लटक रहे होंगे, तो ऐसी सूरत में सुरीन का हिस्सा जो है किसी चीज़ पर टिका नहीं रहेगा बल्कि पैर आपके तन्नूर के किनारों पर टिका रहेगा, तो इसलिए वज़ू कर लेना मुनासिब है। बीमार
लेट कर नमाज़ पढ़ता था कि नींद आ गई तो वुज़ू जाता रहा। ऊँघने या बैठे बैठे झोंके लेने से वुज़ू नहीं जाता। झूम कर गिर पड़ा, फौरन आँख खुल गई, वुज़ू न गया। नमाज वग़ैरह के इंतज़ार में बाज़ मरतबा नींद का गलबा होता है और ये दफ़ा करना चाहता है, यानी सोचता है कि नींद ना आए, और बाज़ वक्त ऐसा गाफिल हो जाता है कि उस वक्त जो बातें हुई उनकी उसे बिल्कुल ख़बर नहीं, बल्कि दो तीन आवाज़ में आँख खुली और अपने ख्याल में ये समझा कि सोया ही ना था। तो उसके उस ख्याल का एतबार नहीं। अगर कोई मोतबर शख्स कहे कि तू गाफिल था, पुकारा जवाब नहीं दिया या बातें पूछी जाएं वो बता ना सके, तो उस पर वुज़ू लाजिम है। और फ़ायदा, एक चीज़ याद रखें कि अम्बियाए किराम का सोना ये नाकिज़े वुज़ू नहीं है, यानी अम्बियाए किराम जब सोते हैं तो उनका वुज़ू नहीं टूटता, उनकी आँखें सोती हैं, दिल जागते हैं। अलावा नींद के और नवाकिस से अम्बियाए किराम का वुज़ू जाता है या नहीं जाता, उसमें इख्तलाफ है। सही ये है कि जाता रहता है बवजह उनकी अज़मत शान के, ना कि नजासत के सबब से, है ना, क्योंकि उनके फजलात शरीफा यानी उनके बोल बराज पेशाब पाखाना शरीफ जो अम्बियाए किराम के होते हैं वो तय्यब व ताहिर हैं, है ना, जिनका खाना पीना हमें हलाल और बायस बरकत है ना। और फिर फरमाते हैं कि बेहोशी और जुनूनी और गशी, वो भी बेहोशी की एक सूरत है, और इतना नशा के चलने में पांव लड़खड़ाएं नाकिज़े वुज़ू हैं, यानी उससे वुज़ू टूट जाएगा। बालिग का कह कहा यानी इतनी आवाज़ से हंसी कि आस पास वाले सुने, अगर जागते में रुकू सजदे वाली नमाज में हो तो वुज़ू टूट जाएगा और नमाज फासिद हो जाएगी। और अगर नमाज के अंदर सोते में कह कहा लगाया या नमाज जनाजा या सजदा तिलावत में तो वुज़ू नहीं जाएगा, वो नमाज या सजदा सिर्फ फासिद है। फिर कहते हैं अगर इतनी आवाज़ से हंसा कि खुद उसने सुना और पास वालों ने नहीं सुना तो वुज़ू नहीं जाएगा और नमाज जाती रहेगी, है ना। और अगर मुस्कुराया कि दांत निकले आवाज़ बिल्कुल नहीं निकली तो उससे ना नमाज जाएगी ना वुज़ू जाएगा। यहाँ तक मैंने आप हजरात के सामने बयान किया। अब इंशाल्लाह आइंदा कुछ नवाकिस यानी कुछ वुज़ू तोड़ने वाली और चीज़ें बची हैं, इसको इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं कल बयान करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अपने हबीब लबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में दीन मतीन की सही समझ अता फ़रमाए और हम सबको नमाज वुज़ू गुस्ल के मसाइल जानने की तौफीक अता फ़रमाए और मसलक अहल सुन्नत मसलक आला हज़रत पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहे सैयदिल मुरसलीन वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।